हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल बायोथेरेपी। मैं अनिकेत गुप्ता आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो हम सीरीज का पार्ट टू करेंगे अब इसका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जो कि हमारा क्या है, किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो आपको जैसे बताया था मैंने कि आप इस वीडियो के जो मतलब जो भी है आपके एमसीक्यू टेलीग्राम चैनल पर डाले जा रहे हैं, तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप एमसीक्यू भी साथ साथ सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आज मैं आपको पार्ट टू करा रहा हूँ जिसमें किंगडम मोनेरा है। ठीक है, किंगडम मोनेरा जो है वो हमारा पार्ट टू है। ये आज के दिन ही मैंने पार्ट में बायफर्केट कर रखा है इन वीडियोस को, ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है, आप वीडियो को देखिए, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके आज आपके तीन पार्ट करा रहा हूँ मैं किंगडम मोनेरा के साथ। किंगडम प्रोटिस्टा फ्री, ठीक है, हाँ फ्री, हिस्ट्री के साथ किंगडम मोनेरा फ्री, किंगडम मोनेरा के साथ प्रोटिस्टा फ्री। तो ये तीन चीजें हम आज करेंगे, तीन पार्ट में आज अपलोड करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो देखिए किंगडम मोनेरा से शुरू करते हैं। पहला किंगडम क्या है हमारा, किंगडम मोनेरा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो सोल मेंबर कौन है, बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट लाइन है, सोल मेंबर कौन है, बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देयर आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म। सबको पता है भाई, बहुत ज्यादा होते हैं बैक्टीरिया, ये बताते हैं बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर। भाई सबको पता है, अब जो सांस हम ले भी रहे हैं, हमारे क्या कहते हैं एयर में भी बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह होगा। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉयल। एक अगर मुट्ठी में आप रेत उठा रहे हो तो उसके अंदर भी हंड्रेड या थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशन। मतलब कहीं पे भी मिल सकते हैं आपको बैक्टीरिया, ऐसा नहीं है कि मतलब हाथ रेत में मिला, आपको कहीं पे मिल सकता है। हॉट स्प्रिंग मतलब कहीं वोल्केनो में भी आपको बैक्टीरिया मिल सकते हैं, रेगिस्तान में मिल सकते हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है, वहां भी मिल सकते हैं। डीप ओशन, ओशन के कितने भी गहराई में चले जाते हैं वहां पे भी बैक्टीरिया मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये सरवाइव कर सकते हैं। और इसकी सरवाइव करने का रीजन पता है आपको क्या होता है, इसके सरवाइव करने का रीजन होता है इसकी सेल वॉल। इसकी सेल वॉल के अंदर आर्किबैक्टीरिया, जनरली ये जो सब आप एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं ना, एक्सट्रीम हैबिटेट्स वाले होते हैं आर्किबैक्टीरिया, तो उनकी जो सेल वॉल होती है, बता चुका हूँ, क्रॉस वॉल्ड लिपिड की बनी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट्स पे रह सकता है। ठीक है, देखते हैं बैक्टीरिया को चार कैटेगरीज में डाला इन्होंने, फोर कैटेगरीज को डाला, किसके बेस पे, शेप के बेस पे, उनकी शेप कैसे। ठीक है, अगर वो गोल हैं, कोकस होंगे वो, उनको क्या बोलेंगे, स्पेरिकल है तो कोकस, रॉड शेप है तो बैसिलस। ठीक है, सिंगुलर को प्लूरल क्या बोलते हैं, बैसिलाई। द कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड होगा विब्रम, और स्पाइरल शेप होगा स्पाइरल। ये 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीट होने का चांस है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आप देख लीजिए, नीचे डायग्राम भी दे रखा आपको, कोका ही जो होंगे स्पेरिकल है, बेसिलस रॉड शेप है, और ये क्या है, स्पाइरलम, स्पाइरल शेप। ठीक है, और ये विब्रो क्या है, कॉमा शेप। तो आपको ये पूछा जा सकता है, याद रखने की जरूरत बहुत है। ठीक है, तो इसे याद रखना, ये शेप याद रखनी है आपको, 2018 में पूछा था ये क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, वेरी इजी है, कोकस, जैसे कि आप हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, तो उसको लैक्टोबैसिलस क्यों बोलते हैं, बैसिलस का मतलब रॉड शेप है, वो जो लैक्टिक एसिड, सॉरी लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसकी शेप बैसिलस होगी। और हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, तो स्ट्रेप्टोकोकस क्यों बोलते हैं, जो निमोनिया करने वाला है वो स्ट्रेप्टोकोकस है, तो स्ट्रेप्टोकोकस क्यों बोलते हैं, कोकस इसलिए क्योंकि उसकी शेप स्पेरिकल है। ठीक है, और रोडोस्पाइरलम होता है, ऐसे नाम के पीछे जो लगा होता है उससे अपन शेप बता सकते हैं। आप कभी बोल देना कि रोडोस्पाइरलम है, तो इसकी शेप क्या होगी, स्पेरिकल, कोकस वगैरह वगैरह, तो आप क्या देना है, स्पेरिकल, सॉरी क्या बोलते हैं, रोडोस्पाइरलम का पूछा था ना, तो रोडोस्पाइरलम का क्या होगा, स्पाइरल होगा। ठीक है, अगर मैंने कोकस किसका, तो स्ट्रेप्टोकोकस का कोकस और लैक्टोबैसिलस का बैसिलस। ठीक है, इजी है, यहां से एक इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, तो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। देखो किंगडम मोनेरा है, ठीक है, प्रोकैरियोट है, तो उसका स्ट्रक्चर ऑब्वियसली है सिंपल होना चाहिए, प्रोकैरियोट्स पहले आए एज कम्पेयर टू यूकैरियोट, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल होगा, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, उनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होगा। कैसे बोला, क्योंकि देखो आर्किबैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह रहा है, और एक्सट्रीम हैबिटेट्स का रहने का ही मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो कर रहा है, राइट।
नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं बताता चल रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। हु शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी पूछेगा। मेटाबॉलिक डायवर्सिटी, एक होता है मेटाबॉलिक डायवर्सिटी और एक होता है मॉर्फोलॉजिक डायवर्सिटी, राइट। मॉर्फोलॉजिक डायवर्सिटी आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि फंगस के पास जो फंजाई ग्रुप है, देखिए आप यहाँ पे फंजाई जो ग्रुप है हमारा, इसमें यहाँ पे बोला जाता है कि ये मॉर्फोलॉजी, ग्रेट डायवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, तो ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो डायवर्सिटी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्डिंग का खेल होगा कि अगर वो मॉर्फोलॉजिक डायवर्सिटी बोल रहा है तो वो फंजाई होगा, ठीक है। अगर मेटाबॉलिक डायवर्सिटी बोल रहा है तो वो क्या होगा, मोनरा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोप्स, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोप्स है लेकिन मोस्ट आर हेटरोट्रोप्स, ठीक है। आपको अगर मैं बोलूं कंपेयर करोगे तो, आप अगर कहो तो, जैसे कि मैं अभी एक बार लिख के दिखा देता हूँ, अगर हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं, होते हैं बहुत ज्यादा, किससे, ऑटोट्रोप्स है, ठीक है। तो कोई पूछे कि कौन ज्यादा होते हैं, गलत हो गई, अगर कोई पूछे कि हेटरोट्रोप्स ज्यादा है ऑटोट्रोप्स, तो हमारा आंसर क्या होगा, हेटरोट्रोप्स इज मोर देन ऑटोट्रोप्स, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे यहाँ पे से अब कुछ नहीं है, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोप्स, ये लाइन दी हुई है आपको, जो मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या है, हेटरोट्रोप्स है, ठीक है। तो ऑटोट्रोप्स कम है, तो पहला हमारा जो डोमेन, हमने डोमेन्स भी बताया था कि आर्की बैक्टीरिया होता है और एक क्या होता है, यू बैक्टीरिया, तो हम आर्की बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, ठीक है। दे आर स्पेशल सिंस दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे हैव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, बता दिया कि ये मुश्किल जगह रह सकते हैं, लाइक एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया को क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग एरिया को थर्मो एसिडोफाइल्स और मार्शी एरिया को मिथेनोजन्स। ये बैक्टीरिया जो यहाँ रहने वाले, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया जहाँ पे नमक होगा, तो हेलोफाइल्स, नाम में ही हेलो है, तो हेलोजन टाइप सॉल्टी एरिया, ठीक है। तो हॉट स्प्रिंग जो गर्म होगा, तो वहाँ पे थर्मो एसिडोफाइल्स, राइट, मार्शी एरियाज मिथेनोजन्स, ठीक है। देखिए आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल एंड एक्सट्रीम कंडीशन, बता चुका हूँ आपको, क्रॉस ब्रांच लिपिड जो मेम्ब्रेन होगी, ओ लिपिड सेल वॉल होगी, उसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है, राइट। मिथेनोजन्स, ये इंपॉर्टेंट है, मिथेनोजन्स आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल्स सच एज काउस एंड बफेलोज, में क्या होता है, मिथेनोजन नाम का बैक्टीरिया होता है, क्योंकि डंग में मिथेन बनता है, डंग गोबर गैस वगैरह जो भी है वो मिथेनोजन की हेल्प से ही बनता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेन, ब्रैकेट में बायोगैस, इसको बायोगैस गोबर गैस भी बोलते हैं, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है। आर्किबैक्टीरिया हमारा हो चुका, बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं करना था, ठीक है, बता चुका था। अब आते हैं यू बैक्टीरिया पे, हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, यू बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया में क्या होता है, देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब ही क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया, देखिए यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, जो हम जो संधि विच्छेद बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद, राइट। यू बैक्टीरिया इसका मतलब क्या है, यू को तोड़ो, यू का मतलब होता है ट्रू, दीज आर बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए दीज आर करेक्टराइज्ड बाय, दीज आर करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम, अगर मोटाइल होगा तो फ्लैजिला होगा, पता होगा आप लोगों कि अगर वो मूव करना है तो उसके पास फ्लैजिला सीलिया वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, अगर और मूव नहीं करेगा तो फ्लैजिला एबसेंट होगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जो साइनोबैक्टीरिया होता है, इसमें लिख लेना है पॉइंट, आप एनसीईआरटी में है नहीं है पॉइंट, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, जो साइनोबैक्टीरिया होता है हमारा, साइनोबैक्टीरिया लैक्स फ्लैजिला इन इट्स लाइफ साइकिल, वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में फ्लैजिला नहीं रखता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है, जो रखता है उसके पास वो मूव करेगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं रखता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए द साइनोबैक्टीरिया
हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। आपको मैं बता दूं, जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपको, जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स जो होंगे, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर पिगमेंट। ठीक है, आप याद रखेंगे कि जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स हैं, इनके पास क्लोरोफिल ए नहीं है। याद रखो कि क्लोरोफिल ए नहीं है, ये बात याद रखना। आप लोग इसमें गलती करोगे, आप जो टेस्ट वगैरह जो भी इंस्टीट्यूट के दोगे उसमें वो बोलेगा कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स हैव क्लोरोफिल ए, तो वो बात गलत है। या आप लिख लीजिए क्लोरोफिल ए नहीं है, उसके जैसा उसका प्रिमिटिव पिगमेंट है। प्रिमिटिव मतलब उसका पूर्वज वाला, ठीक है, क्लोरोफिल ए नहीं है, इसको आप लिख लीजिएगा लाइन, ठीक है, जोड़ लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में। ये बात आपको एनसीईआरटी में है ही, खैर तोड़ने क्या बात है, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये रब मतलब ये होगा नहीं आपके नोट्स में, राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ देखिए, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कोलोनियल और फिलामेंटस। देखो इसके जो है यूनिसेलुलर तो होंगे, इस बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया में जो भी होंगे वो सब यूनिसेलुलर होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, ये कोलोनियल भी होगा, फिलामेंटस भी हो सकता है। देखिए ये क्या है, ये फिलामेंटस है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम नोस्टॉक बोल रहे हैं। ये डायग्राम याद रखिए, क्वेश्चन आएगा कि किसका है, तो क्या होगा, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या होगी वो, नोस्टॉक। और ये इसमें स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है, कुछ अलग से स्केल सेल दिखाया है, उसे बोलते हैं हाइड्रोसिस्ट, ठीक है। उसके साइड जो कवरिंग है उसे क्या बोला इन्होंने, म्यूसिलाजिनस शीथ, क्या बोला, म्यूसिलाजिनस शीथ, ठीक है। तो देखिए द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ, जेलेटिनस शीथ और म्यूसिलाजिनस शीथ दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये कॉलोनीज देखिए, कॉलोनी है पूरी, एक फिलामेंटस कॉलोनी है, ये क्या है, किससे सराउंडेड है, जेलेटिनस शीथ से, ठीक है। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर, ब्लूम मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, वाटर एल्गी रिच होती है, ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो हमेशा रिच हो जाती है, पॉल्यूशन जहां पे भी होगा वाटर में वहां पे एल्गी मिल जाएगी, काई बोलते हैं जिसे हम, रेड ग्रीन ग्रीन जम जाती है, जो वो क्या होती है, एल्गी होती है, तो वो रिच होती है पॉल्यूटेड वाटर में, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटरोसिस्ट। तो ये हेटरोसिस्ट आपको दिखाया है ना मैंने, ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है, ठीक है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम है, ये आपको पता चल जाएगा किसमें, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, नोस्टोक एंड एनाबिना, ये क्या है, नोस्टोक और एनाबिना इसका एग्जाम्पल है, किसका, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अगला देखिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप, देखिए अभी तो हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप में क्या हुआ, नाम देखेंगे, नाम को तोड़ो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप, ठीक है, नाम को तोड़ो, जैसे कि अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, नाम को तोड़ेंगे हम, जैसे कि फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है, लाइट की वजह से ऑटोट्रोप्स है, क्या है, फोटो सिंथेटिक मतलब लाइट का ऑटोट्रोप, मतलब जो भी अपना खाना बनाएगा वो लाइट से बनाएगा, और इसका मतलब कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, इसका मतलब क्या है कि भाई खाना तो बनाएगा वो अपने आप, लेकिन वो अब की बार इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाएगा अपना खाना, ठीक है, जो ऑर्गेनिक नहीं होगा, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जो आएगी वो उसमें बताया जाएगा आपको, जैसे कि इनऑर्गेनिक लाइक सल्फर वगैरह ऐसी चीज, इनसे बनेगा खाना, तो वो क्या होगा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन, जो एनर्जी रिलीज हुई वो एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज होगी। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, इन सबको रिसाइकलिंग करने में मदद करते हैं। देखिए आगे जब हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ेंगे चैप्टर, वहां पे आपको न्यूट्रिएंट साइकिलिंग बताया जाएगा, ठीक है,
न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होता ही क्या है, जैसे नाइट्रोजन, अभी नाइट्रोजन दिया इन्होंने तो नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस दिया तो फॉस्फोरस साइकिल। लाइक जैसे कि साइकिल क्या होता है, जैसे मान लो एटमोस्फेयर से धरती के अंदर आना, धरती से एटमोस्फेयर में जाना, दैट इज अ साइकिल राइट। तो उस साइकिल जो होगी रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट की, ये इम्पोर्टेंट है बैक्टीरिया, क्योंकि इनऑर्गेनिक है ये चीजें, तो इनको पहुंचाने के लिए एटमोस्फेयर में कौन आना चाहिए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स राइट। तो नेक्स्ट पे चलते हम, नेक्स्ट क्या हमारा, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। अच्छा हेटरोट्रोपिक क्या, अभी देखो ऑटोट्रोपिक हमने पढ़ ली, अब हेटरोट्रोपिक पढ़ेंगे। हेटरोट्रोपिक क्या है, जो अपना खाना दूसरों से लेगा, खुद नहीं बनाएगा, ये क्या है, दूसरों से लेगा। हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, सबसे ज्यादा होंगे नेचर में, क्या होंगे, अबंडेंट होंगे, ठीक है, बता चुके हैं कि हेटरोट्रोप ज्यादा होता है। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, ज्यादातर क्या है, डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, मतलब खाना जो होगा वो डिकम्पोज करके लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप देखते होंगे जनरली, आप मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक है, लाइक केले का छिलका है, वो कहीं गिर गया, ठीक है, तो उसको थोड़े दिन बाद देखोगे तो वो सड़सा जाएगा राइट। तो इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स पे ज्यादा बैक्टीरिया मिलेंगे, ठीक है। मैनी ऑफ द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, लाइक एग्जाम्पल देखेंगे हम, कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो लैक्टोबैसिलस है वो भी क्या है, हेटरोट्रॉप्स बैक्टीरिया है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी हमारे हेटरोट्रोप बैक्टीरिया होते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, ये भी हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, याद रखना, देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन में दो आते हैं, एक आता है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रो, जो नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको पता होगा, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस जो मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं, तो वे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होते हैं। लेकिन जो फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स होता है, ठीक है, लेग्यूम्स रूट होता है, जो कि क्या होता है, राइजोबियम, ठीक है, तो सबको पता होगा कि राइजोबियम आएगा यहाँ पे, रूट के लिए कौन होगा, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम, ये भी क्या होंगे, हेटरोट्रोप्स होंगे। तो ये खाना अपना अपने आप नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, दूसरों से लेते हैं, लाइक होस्ट से लेते हैं राइट। ये क्या हो गए, हेटरोट्रोप्स हो गए हमारे। देखो सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, तो हमको नुकसान करते हैं, खेतों को भी नुकसान करेंगे राइट। ऐसे भी कई बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन डिसीज देख लीजिए कौन कौन सी डिसीज होती है बैक्टीरिया से, एक है कोलेरा, एक है टाइफॉइड, एक है टिटनस और एक सिट्रस कैंकर, एज वेल एज नोन डिसीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीज होती है जो बता रहे हैं, कोलेरा, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, ठीक है। आपके सिलेबस में जो है सिट्रस कैंकर, मतलब अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, विच ऑफ देम इज नॉट बैक्टीरियल डिसीज राइट, तो उसमें तीन इनका दे देंगे, एक चौथा कोई वायरल दे देंगे या कुछ भी डिसीज दे देंगे, तो वो आपको एलिमिनेट करके बता देंगे, ठीक है। कोलेरा, टाइफॉइड और टिटनस वो निकाल देंगे, मान लीजिए ये तीन दिए हैं और चौथी आपको वो दे दिया कॉमन फ्लू, तो आप कॉमन फ्लू को बता देंगे कि ये बैक्टीरियल नहीं है, ठीक है। तो चार डिसीज के नाम याद रखेंगे, क्या, कोलेरा, टाइफॉइड, टिटनस और सिट्रस कैंकर राइट। लेट अस गो एट रिप्रोडक्शन, देखते हैं बैक्टीरिया में कैसा होता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फीजन, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होगा वो फीजन से होगा राइट, बाइनरी फीजन जो हम पढ़ते आए हैं राइट। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होगा फीजन से, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा इस लाइन को पढ़ के। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, क्या बात बोली है, दे प्रोड्यूस स्पोर्स, वाह, स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे हमेशा कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस की बात होगी तो वहां पे स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स क्यों बनेंगे, स्पोर्स एक टाइप के बीज होते हैं, ठीक है, स्पोर्स एक टाइप के क्या होते हैं, बीज। तो जो स्पोर्स होते हैं वो सेल वॉल रखते हैं अपने पास, ठीक है, स्पोर क्या रखते हैं, अपने सेल वॉल रखते हैं, तो वो एक्सट्रीम कंडीशन को एग्जिबिट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात कही है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सेक्सुअल, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि पूरा तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ नहीं, ठीक है, इसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया क्या करेगा, अच्छा सा मतलब कंसेप्ट यूज करेगा, बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। ये देखिए दिखाया हुआ है डिवाइडिंग बैक्टीरिया, ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और डीएनए, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, छोड़ो इसे, ठीक है, डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, इसमें क्या करेगा, डीएनए को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, ट्रांसफर करेगा डीएनए एक में से दूसरे के अंदर, तो उसे एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, लेकिन है नहीं अभी भी, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की झलक हमें दिखी राइट। लेट अस गो एट नेक्स्ट पॉइंट, द माइकोप्लाज्मा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ,
बी माइकोप्लाज्मा, आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। ठीक है, देखो ये देख लो, सेल वॉल लैक कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन लैक नहीं कर रहा। मैं अगर बोलूंगा आपको, कल मैं बोलूंगा कि भाई माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल मेम्ब्रेन, तो आप कहोगे हाँ, सेल मेम्ब्रेन लैक कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? सेल वॉल, अब सेल वॉल को और सेल मेम्ब्रेन में कंफ्यूज मत होना, ये लाइन वर्डिंग की बात बता रहा हूँ। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, सेल वॉल लैक करेगा, सेल मेम्ब्रेन लैक नहीं करेगा, उसके पास सेल मेम्ब्रेन होगी। राइट, दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने एक बात कह दी विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, ये अभी इस बात को होल्ड करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर मैं पहले खत्म कर दूं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, कई माइकोप्लाज्मा जो है वो दोनों के लिए पैथोजन है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। तो हमें माइकोप्लाज्मा जो हमारा, इसको हम अच्छे से सेपरेट करके आपको बता दूं, माइकोप्लाज्मा जो हमारा ये देखेंगे, 3 पॉइंट है बस इसमें, माइको प्लाज्मा। राइट, माइको प्लाज्मा क्या होता है? पहला पॉइंट, माइको प्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कई बच्चे बोलेंगे कि भाई स्मॉलेस्ट लिविंग तो पीपीएलओ भी होता है, तो भैया माइको प्लाज्मा ही पीपीएलओ है। राइट, इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, ये क्लास है इसकी, पीपीएलओ, सॉरी पीपीपी लिख दिया, पीपीएलओ। राइट, तो माइको प्लाज्मा क्या हो गया? पीपीएलओ ही होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दूसरा पॉइंट है, दे लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो भैया ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। तो इनका इसलिए एक नाम दिया गया है, एक नाम दिया गया है, फैकल्टेटिव अनैरोब, अनैरोब, फैकल्टेटिव अनैरोब। राइट, अब ये क्यों दिया है मैं आपको समझाऊंगा, पहले कंप्लीट कर देते हैं। दे कैन कॉज डिसीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में ही ये बीमारी फैला सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ प्लांट में, ये दोनों में कर सकता है। अच्छा, मैंने फैकल्टेटिव क्यों बोला इसको? ठीक है, आपके मन में सवाल होगा, तो मैं इसका सवाल का हल सॉल्व करता हूँ। ठीक, दो वर्डिंग यूज करेंगे हम पूरी बायोलॉजी के अंदर, दो वर्ड यूज करेंगे, एक बोलेंगे फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव, एक बोलेंगे ऑब्लिगेट। दो वर्ड यूज करेंगे, एक बोलेंगे फैकल्टेटिव, एक बोलेंगे ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव का मतलब होता है हिंदी में कभी कभी, राइट, क्या होगा? कभी कभी। और ऑब्लिगेट का मतलब होगा हमेशा। ठीक है, ये दो वर्ड याद रखेंगे, फैकल्टेटिव का मतलब कभी कभी और ऑब्लिगेट का मतलब हमेशा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ फैकल्टेटिव अनैरोब, मैंने क्या बोला वर्ड, देखो मैंने बोला फैकल्टेटिव अनैरोब, फैकल्टेटिव अनैरोब का मतलब, फैकल्टेटिव का मतलब कभी कभी, अनैरोब तो कभी कभी वो अनैरोब हो सकता है। आया समझ में? ठीक है, कभी कभी अनैरोब हो सकता है, तो सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। और ऑब्लिगेट मतलब हमेशा, लाइक मैं भी बोलता हूँ ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, वायरस, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब वो हमेशा पैरासाइट ही होते हैं, वो नुकसान ही करेंगे, कभी तो फायदा नहीं करेंगे वायरस। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा सा पॉइंट बना के मैंने आपको दिखा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो उसमें लगा लीजिए इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हम आगे, तो आपका ये पार्ट अभी खत्म होता है, ये हम बाद में करने वाले ही हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, पेन से लिखने में मजा आता है ना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, आप बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, डाउट है अगर तो कमेंट कीजिए, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं, डायरेक्ट मुझे वो दे दीजिए अपना डाउट, मैं आपका सॉल्व कर दूँगा। राइट, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।